के अंदर अगर आप चाहते हो आपका 170 प्लस का स्कोर आए तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है मैथ्स मैथ्स का है।, है ना भाई में के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं मैथ्स में 80 एमसीक्यूज हैं अक्सर बच्चे जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं वो या तो मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को उठाते ही नहीं है ये भी गलत काम है और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई वो मैथ्स को टाइम ही नहीं देते तो आपने हमेशा म्यान रवि रखनी है म्याना रवि का मतलब क्या है कि भाई मैथ्स नंबर का आ रहा है एट्टी पोर्शन का आ रहा है, यानी कि एट्टी एमसीक्यूज रहा है बाकी फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री, कंप्यूटर हो गया इंग्लिश और आईक्यू हो गया इनको भी उसके वेटेज के हिसाब से टाइम दो फिजिक्स को मैथ्स के बाद आईक्यू जैसे आईक्यू के पेस्ट है ना उसको कर लो। उस की पेलिस में जितने मैंने क्वेश्चन करवाया कवर कर लो गारंटी देता हूँ आप आईक्यू के अंदर हंड्रेड नंबर लेकर से गारंटी ये इसी तरीके से फिजिक्स के लिए फिजिक्स का मंजन सर बिलास जाएगा चैनल मौजूद है

पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है इसके लिए कुछ बुनियादी टिप्स मैं हमेशा बच्चों को प्रोवाइड करता हूं कि भाई अगर आपको नर्स का पेपर अटेंट करना है तो याद रखिएगा दो सौ का

सबसे पहले याद रखिएगा फॉर एग्जाम्पल ये मैथ्स का पोर्शन है आपके पास ये मैथ्स के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यूज तो आपको शो हो रहे होंगे वन टू थ्री फोर फाइव देखो यहां पे एक ऑप्शन होगा बैक करने का यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नेक्स्ट करने का सही है ना और यहां पे आपके पास आप चाहो तो अपने एमसीक्यूज को लीव भी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एमसीक्यूज है और मुझे वो एमसीक्यूज नहीं आता तो भाई आपने स्टार्टिंग के अंदर जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते उनको सोचना नहीं है अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि भाई लेट सपोज एमसीक्यूज नंबर वन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है आर्गूमेंट के टॉपिक के ऊपर आ रहा है डोमेन एंड रेंज के ऊपर आ रहा है बच्चे क्या करते हैं बैठ के उसको सोचने लग जाते हैं भाई आपने कभी भी पेपर में अल्लामा इकबाल नहीं बनना तो भाई जो एमसीक्यूज आपको दो से चार दस बारह सेकंड पे सोचने में मजबूर कर रहा है ना उसको उधर इग्नोर कर दो आगे बढ़ जाओ लेट सपोज एमसीक्यूज नंबर टू सिंपल तरीके से कॉडेटिक या फिर कॉनिक्स के ऊपर आ रहे इजी सा क्वेश्चन आ रहा है मुझे आता है मैंने अटेम्प्ट कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट कर लिया

तरीके कार्य ये होता है कि हमेशा आपने सबसे पहले जो आसान एमसीक्यूज आपको लग रहा है उसको सॉल्व करना है हमेशा आपने वो उस सेक्शन के ऊपर जाना है जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमेशा आपने सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके बाद आपने मॉडरेट एमसीक्यूज के ऊपर जाना है डिफिकल्ट वाले पे जाना है लास्ट में सबसे लास्ट में कोशिश क्या करो कि भाई मैथ्स का अगर पोर्शन के अंदर सारे इजी वाले एमसीक्यू कुछ कर लिए तो फिजिक्स के इजी वाले एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट कर लो फिर केमिस्ट्री कंप्यूटर के इजी वाले एमसीक्यू को अटैम्प्ट कर लो फिर इंग्लिश के इजी वाले एमसीकू अटेम्प्ट कर लो लास्ट में फिर मॉडरेट वालों के ऊपर जाओ इससे फायदा क्या होता है इससे फायदा यह होता है कि बेटा कम टाइम के अंदर

इम्प्रूवमेंट है पहले स्टूडेंट हैं ये